अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम मोहम्मद रेहान है और मुझे वीडियोस क्रिएट करने का शौक़ है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इस व्लॉग का टाइटल मैं फ़र्स्ट व्लॉग क्यों रखा। रिसेंटली हमारी 100 वीडियोस कंप्लीट हुई है हमारे चैनल पर, मगर उन वीडियोस में कुछ झूठ और कुछ सच था जिससे मैं अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुआ। ऐसी वीडियोज़ का क्या फ़ायदा जो झूठ की बुनियाद पर बनी हो, जो बी या मुस्लिम मेरे को एंड ऑफ द लाइफ नुकसान पहुँचाए। लेट स्टार्ट अ न्यू जर्नी जिसमें मैं झूठ ना बोलूं, मैं किसी का दिल ना दुखाऊं। मुझे पता है कि ये सब बोलना आसान है मगर करना बहुत मुश्किल, मगर ट्राई तो कर सकते हैं ना। मैं आपसे झूठ ना बोलूं। आज मैं आपको थोड़ा टाइम में पीछे लेकर जाने वाला हूं। सुबह सुबह का टाइम तो मैं निकल गया फिर अपनी गाड़ी लेकर नाश्ता करने के लिए, क्योंकि घर पर तो कोई अभी उठा नहीं था। 6 बजे ही मैं उठ गया था। बाय द वे, मैंने सनग्लासेस इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि मेरी आंखें सूज गई थी, रात से सोया नहीं था इसलिए, क्योंकि नाश्ता करना था, भूख लग रही थी रात से ही, क्या कर सकते हैं बस। और मेरे को पता चला कि हमारी गाड़ी में तो पेट्रोल ही नहीं है। पेट्रोल डलवाने के बाद हम निकल गए अपनी मंजिल पर अपने दोस्त से बातें करते हुए। बहुत मज़ा आया सुबह सुबह बातें करने में। रूटीन मेरी ख़राब हो गई थी तो इतने दिनों बाद मैंने जब सनराइज़ देखा तो मेरी कैफियत ही कुछ अलग थी। बस दिल से एक आवाज़ निकली, सुभान अल्लाह। जैसे जैसे इस सूरज की रोशनी बढ़ रही थी वैसी मेरी भूख और मेरी एक्साइटमेंट दोनों बढ़ रही थी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। यार इस सूरज से मेरे को एक मोटिवेशन मिली। यार डीमोटिवेट करने वाले तो आपको दुनिया में बहुत मिलेंगे, मगर तवक्कल और उम्मीद सिर्फ अल्लाह से रखो। कोई नहीं है जो अल्लाह के अलावा आपको नवाज सकता है कुछ भी। फाइनली मैंने सनसेट देख लिया। ऐसे क्या पीछे यार, ये मस्ती मजाक तो अब बहुत हो गया, मगर हमारी मंजिल भी अब बहुत ही ज़्यादा करीब है। थोड़ी देर में हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे तो अब हम आपसे वहीं मिलेंगे। बस इसको कहते हैं एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट, दी टावर मार्केट, और ये हैदराबाद में अपने क्लॉक टावर की वजह से भी बहुत मशहूर है। फाइनली हम टावर मार्केट पहुंच गए हैं। यहाँ पर देखना है वो जो दुकान है वो कहाँ पर है। बाकी यहाँ पर एक दो बंदे मिले हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम अंकल, क्या हाल है? ठीक ठाक अंकल। मैंने सुना है यहाँ पर कोई अच्छी सी हलवा पूरी की दुकान है जो 1947 की है, 1947। हाँ वो अल नसीब वाले तो हैं यहाँ पर, अल नसीब दुकान है। अच्छा, तो फिर वो कहाँ पर है, यहाँ से कितनी दूर? ये आगे 2-4 कदम आगे जाओगे तो वहाँ। और इस मार्केट की क्या खासियत है? इस मार्केट की ये खासियत है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। अच्छा हाँ। और बाकी इमरान कादरी यहाँ के सदर हैं। इमरान कादरी। और बाकी यहाँ पर अभी तो सारे बंद है क्योंकि सुबह 6 बजे का टाइम है, तो फजर में थोड़ी खुल जाएंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल भाई। टावर के आगे आना, फिर यहाँ पर दुकान है, वहाँ से देखते हैं। यहाँ पर आकर हमने सोचा कि वीडियो के लिए अलग से वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, मगर दौरान ने एडिटिंग वीडियो की वॉइस हमें मिली थी। सॉरी सीप पे अल नसीब पर आके हम बैठे हैं, तो यहाँ की सबसे पहले ये सालन आया। सालन हाँ भाई, सालन तो बड़ा एंटिक लग रहा है, और बाकी खाने में कैसा ये नहीं पता, खा के चेक करते हैं। और जैसे लग रहा है दुकान पे रश बड़ा टाइट लगा हुआ है, यहाँ पर हैवी किस्म का रश है बहुत, यहाँ पर कुछ बोला जा रहा नहीं है, तो बस अभी देखो क्या होता है। बाकी खाना है तो वैसे जिस तरीके से अच्छा लग रहा है उस तरीके से हुआ है ना हुआ ये भी नहीं पता। यहाँ पर हमारी हलवा पूरी आ गई है बड़ी गरम गरम, उसे हलवा पूरी दिखा दो एक बार, पास नहीं होगा। बाकी हलवा पूरी जैसी लग रही है बड़ी ख़तरनाक लग रही है दिखने में, और वैसे खाने में देखते हैं यार उतनी ख़तरनाक है जितनी दिखने में। बाकी यहाँ पर बहुत सारे बंदे बैठे हैं जो सही खाने के दौरान, यार बोलना मेरे को वैसे अच्छा नहीं लगता। और ये हलवा पूरी तो वैसे गरम गरम थी और ये तरसा रही थी कि इसको जल्दी से खा लो बस। तो हाँ यार, ये जितनी अच्छी दिखने में उससे कई गुना खाने में है यार। ये जैसे अंकल इतने प्यार से बना रहे तो ये कैसे अच्छी नहीं होगी। और फाइनली हम 200 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब है, तो जल्द 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट करो और डेयर भी दो एक कमेंट में, जो कि मैं 200 सब्सक्राइबर स्पेशल में कर। वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, मिलते किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।